हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुकुल क्लब। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2012 में आया हुआ MSCAG का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में इसमें दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट्स आप एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 120 क्वेश्चन आते हैं, और टाइम जो इसमें होता है वो 2 आवर्स का दिया जाता है आप लोगों को। और मार्क्स जो होते हैं वो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, और माइनस मार्किंग 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ, टाइम। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक सॉइल वर्टिसोल्स आर फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ फेल्सपार, एम्बीबॉल्स, ग्रेनाइट, बेसाल्ट्स। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच सॉइल हैव द हाइएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कौन सी सॉइल की सबसे ज़्यादा होती है? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। जो कि ब्लैक सॉइल होती है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट विल्ट व्हेन सॉइल वाटर कंटेंट गोज बिलो 0.1 बार, 1/3 बार, 5 बार, 15 बार। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, 15 बार ही आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अवेलेबल फॉस्फोरस इन फर्टिलाइजर इन द फ्रैक्शन वाटर सोल्यूबल पी, वाटर सोल्यूबल प्लस सिट्रस सोल्यूबल पी, NaHCO3 एक्सट्रेबल पी, NH4F एक्सट्रेबल पी। तो आपको सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, वाटर सोल्यूबल प्लस सिट्रेट सोल्यूबल पी। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन रिजर्वियर ऑफ अवेलेबल सॉइल अवेलेबल सल्फर इन अ सॉइल इज ऑर्गेनिक सल्फर, सल्फर सल्फेट एस, सल्फाइट एस, सल्फाइड एस। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सल्फेट एस, वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट दैट गेट्स डिप्लीटेड प्रोग्रेसिवली इन द प्लाउ लेयर ऑफ सबमर्ज राइज सॉइल इज। ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, आयरन। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज ऑफ अ ऑर्डर 0.22, 0.6%, 0.62, 1.2%, 1.22, 1.8%, 1.82, 2.4%। तो इसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन है 1.82, 2.4% आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सॉइल। ऑप्शन है प्रोटोजोवा, टर्माइट्स, फंजाई, नेमेटोड्स। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है फंजाई, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस जनरेटेड फ्रॉम काउ डंग इज। ऑप्शन है H2, CO2, N2CH4। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है CH4 या मीथेन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉयल एंजाइम दैट हैव बीन वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सॉयल क्वालिटी इज। ऑप्शंस हैं डिमाइनेसिस, ड्रीहाइड्रोजेनेसिस, प्रोटीएज या एमाइलेज। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ड्रीहाइड्रोजेनेसिस, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ अ हर्बिसाइड, इनमें से कौन सा हर्बिसाइड है? ऑप्शंस इसमें आपको दिया हुआ है सिमाजीन, पैराथियन, 4-8, मेलाथियन। तो जिसमें आपका ऑप्शन सही होगा वो पहला होगा, सिमाजीन। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सेल साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर। प्रोटीन सिंथेसिस सेल में कहाँ पे होती हैं? ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स या ल्यूकोप्लास्ट। तो आप जो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम्स, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेस्का ट्राइंगल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेट्रापोलाइड स्पीशीज ऑफ मस्टर्ड वॉज प्रपोज्ड बाय। ब्रेस्का ट्राइंगल है जो मस्टर्ड में टेट्रापोलाइड स्पीशीज के लिए, वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? कियारा, सियर्स, नगाहारा यू, ब्लैक शील्स। जिसमें आपका थर्ड ऑप्शन है नगाहारा यू, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यू टू द एपोमिक्टिक नेचर ऑफ अ क्रॉप मेंडल कुड नॉट प्रूव हिज फाइंडिंग ऑन। ऑप्शन प्लम, पीच, गार्डन पी या हॉक वीड। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन है हॉक पी, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हु फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला। ऑप्शन हैं बेटसन, ब्रिजेस, मुलर, कर्ट स्टेम। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है कर्ट स्टेम, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्राइस क्रॉस इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन में दिया हुआ है मॉर्गन, ब्रिजेस, मूलर या विल्सन। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है मॉर्गन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटर एलिलिक इंटरेक्शन रिजल्टेड।
ऑप्शंस इसमें आपके हैं एपिस्टेटिस, डोमिनेंस, एडिटिव, फिनोमेटल वेरियंस। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है डोमिनेंस, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रिपलेट कोड ऑफ कोडनेस रिप्रेजेंटेड एज 4 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4 4। जो आपका थर्ड ऑप्शन है 4 का क्यूब, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनेट इज लोकेटेड एट। जो रिसर्च सेंटर है ग्राउंडनेट के कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है भरतपुर, कानपुर, जूनागढ़, अकोला। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है जूनागढ़, ये गुजरात में पड़ता है, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वॉज ओरिजिनली गिवन बाय निल्सन एल, यूएल, जॉनसेन, गेल्टॉन। इसमें जो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ऑप्शन है निल्सन एल। क्वेश्चन नंबर 22, कोलचाइन डिस्टर्ब्स। ऑप्शन इसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, डीएनए रिप्लिकेशन, साइटोकाइनेन, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द फेमस इंडियन प्लांट एक्सप्लोरर इज। ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, हरिभजन सिंह, ए बी जोशी, रामानुजन। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है तो हरिभजन सिंह, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट इंटर जेनेरिक क्रॉस ब्रीड ब्रेड व्हीट एंड राइस वॉज मेड बाय। जो व्हीट एंड राई का रेशियो रहता है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है कुल रियूटर, बिल मोराइन, कारपेक्चिनो, रिम्पू। जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है रिम्पू, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज़ द बेस्ट एक्सटेंशन मेथड फॉर एडवोकेटिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट। ऑप्शन हैं ग्रुप डिस्कशन और ऑडियो विजुअल एड्स, डिमोस्ट्रेशन, फील्ड डे। जो आपका थर्ड ऑप्शन है डिमोस्ट्रेशन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर यूज़ इन अ ग्रुप ऑफ 20 फार्मर्स। ऑप्शन है डिमोस्ट्रेशन, टेलीकास्ट, पोस्टर, फ्लिपकार्ट। इसमें जो आपको पहला ऑप्शन है डिमोस्ट्रेशन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंडक्टिंग ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन आपके इसमें दिए हुए, इन्फॉर्मिंग द लोकल पीपल, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट फार्मर्स, अरेंजिंग फिजिकल फैसिलिटीज फॉर ग्रुप डिस्कशन, प्रिपेयरिंग अ VCD फॉर ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपका इन्फॉर्मिंग द लोकल पीपल, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ क्वेश्चन आयर्स द आंसर वॉज रिटन अंडर सोशल इकोनॉमिक सर्वे बाय द। ऑप्शन हैं इंटरव्यूअर्स, रेस्पोंडेंट्स, एक्सटेंशन वर्कर, एक्सपर्ट। जो आपका इसमें सेकेंड ऑप्शन है रेस्पोंडेंट्स, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, द नॉलेज ऑफ अ फॉलोइंग सब्जेक्ट इज मोस्ट एसेंशियल इन एक्सटेंशन एजुकेशन। ऑप्शन हैं इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, रूरल सोशियोलॉजी, एग्रोनॉमी। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है रूरल सोशियोलॉजी, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग इज़ अ एडॉप्टर कैटेगरी। एडॉप्टर की कैटेगरी में इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है एग्रीकल्चर लेबर, लगार्ड, विलेज टीचर, प्रोग्रेसिव फार्मर। जो आपका सेकंड ऑप्शन है लगार्ड, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सटेंशन एजुकेशन डील्स मेनली विद। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस मेनली डील्स किससे करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रूरल वुमेन, सेकंड ऑप्शन है रूरल यूथ, थर्ड है फार्मर्स, फोर्थ है रूरल चिल्ड्रेन। तो जिसमें जो आपका थर्ड है फार्मर्स, तो फार्मर से डील करता है, ये आपका सही है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज वॉट। एक्सटेंशन प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर्स। एक्सटेंशन प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड ऑफ पीपल। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन सीइंग इन बिलीविंग। एक्सटेंशन प्रोग्राम मस्ट बी होलेक्टिक एंड नॉन सेक्टरल। सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंशन प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फेल्ट नीड्स ऑफ अ पीपल। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। ऑप्शन हैं टीचिंग, गाइडिंग, हेल्पिंग, कम्युनिकेटिंग। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन का इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो वो है कम्युनिकेटिंग, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल पॉपुलेशन इज। गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेस, एग्रीकल्चर, आर्टिसन। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन एग्रीकल्चर, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35, द बेस्ट एक्सटेंशन मेथड दैट कैन बी यूज्ड एज अ एवोल्यूशन स्टेज इज। डिमोन्स्ट्रेशन, पोस्टर, कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम, लेक्चर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है डिमोन्स्ट्रेशन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, एन आइडियल रेडियो टॉक शुड बी ऑफ 600 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स। तो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन है 1000 वर्ड्स, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 37, द एनिमल किंगडम वॉज डोमिनेटेड बाय
एनिलीज, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स। इसमें आपको थर्ड ऑप्शन है इंसेक्ट ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, स्पाइडर बिलोंग्स टू अ फिश क्लास, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, हेक्सापोडा, एरेक्निडा। तो इसमें जो स्पाइडर है वो किस क्लास से बिलोंग करती है, तो एरेक्निडा। क्वेश्चन नंबर 39, हिंड विंग्स आर मॉडिफाइड इंटू नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेल्टर्स इन मस्टर्ड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, वाइट फ्लाई, डैमसल फ्लाई। तो जो आपका इसमें ऑप्शन सही है वो सेकंड ऑप्शन है, फ्रूट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 40, द ओरिजिन ऑफ अ फोर गट इज एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजो एंड एंडोडर्मल। तो जो फोर गट, फोर गट का जो ओरिजिन है वो है एक्टोडर्मल। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एबडोमिनल अपेंडेजेस, गोनोपोर, सरकी, वेस्ट, एपोफाइसिस। इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है सरसी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 42, थ्रिप्स बिलोंग टू इंसेक्ट विच ऑर्डर। जो थ्रिप्स है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, साइफनोप्टेरा, थाइसनोप्टेरा, फाइकोप्टेरा, साइफनोक्यूलेटा। इसमें जो थ्रिप्स है आपका थाइनोसोप्टेरा से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 43, द ग्राम कटवॉर्म इज एक्टिव ड्यूरिंग, ग्राम कटवॉर्म एक्टिव किस सीजन में रहते हैं, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा इसमें होगा स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 44, सिल्वर शूट इन पैडी आर कॉज्ड बाय राइज हिस्पा, केस वॉर्म, गॉल माइट, ब्राउन प्लांट हॉपर। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा थर्ड होगा, गॉल माइट। क्वेश्चन नंबर 45, मैंगो मिलीबग फीमेल लेज एग्स इन सोयल, लेफ मिडरिब, बार, ग्रोइंग टिप। इसका सही आंसर है पहला, सोयल। क्वेश्चन नंबर 46, डैमेजिंग स्टेज ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाइज एडर्ट, निम्फ, कैटरपिलर, मैगट। जब किसमें सही आंसर होगा वो होगा निम्फ, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, किथेन इज इफेक्टिव एज नेमेटिसाइड, रोडेंटिसाइड, एरिकसाइड, बायोपेस्टिसाइड। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, एरिकसाइड। क्वेश्चन नंबर 48, यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप इज कंसिडर्ड एज फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, कल्चरल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 49, क्रूड फाइबर डाइजेशन लार्जली टेक्स प्लेस इन र्यूमन, रेटिकुलम, एब्डोसम, ओमोसम। इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, र्यूमन। क्वेश्चन नंबर 50, चीफ कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क इज ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो जो चीफ कार्बोहाइड्रेट मिल्क में होता है वो क्या होता है, लैक्टोज, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, हाइफर इज अ टर्म गिवन टू मेल यंग बुल, काउ आफ्टर फर्स्ट लैक्टेशन, यंग फीमेल बिफोर फर्स्ट पार्चुरेशन, एडल्ट मेल। इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, यंग फीमेल बिफोर फर्स्ट पार्चुरेशन। क्वेश्चन नंबर 52, डिहॉर्निंग इज डन एट विच एज, ऑप्शंस एट वेरी अर्ली एज, आफ्टर 6 मंथ, ओनली इन मेल आफ्टर 1 ईयर, नेवर डन। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, एट वेरी अर्ली एज। क्वेश्चन नंबर 53, वेयर वॉज द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इटेब्लिश, ऑप्शन है लुधियाना, पंतनगर, कानपुर, हिसार। तो जो पहली यूनिवर्सिटी आपकी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो पंतनगर में हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 54, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो ये तो सब आप लोग को पता होगा, बहुत ही ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, विटामिन बी। 55 क्वेश्चन नंबर, बोन्स आर मेड अप ऑफ लार्जली आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो जो बोन्स होती हैं लार्जली किससे बनी रहती हैं, कैल्शियम से, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 56, कोलेस्ट्रॉल इज अ थिकनेस मिल्क, मिल्क आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ पार्चुरेशन, फर्स्ट राउंड मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, मिल्क ऑफ लेट प्रेगनेंसी। इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, फर्स्ट राउंड मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। क्वेश्चन नंबर 57, वीनिंग ऑफ काउ काफ इज डन एट बर्थ आफ्टर 1 मंथ, 3 मंथ ऑफ एज, रिमेन्स विद डैम ऑल थ्रो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 मंथ ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 58, रैबिट इज किप्ड इन ओपन शेड, क्लोज शेड, पार्शली ओपन एंड पार्शली क्लोज, इंडिविजुअल केजेस। इसमें आपका सही आंसर है पार्शली ओपन एंड पार्शली क्लोज। क्वेश्चन नंबर 59, टोन्ड मिल्क कंटेन फैट टू एक्सटेंड ऑफ 1.5%, 3%, 2%, 2.5%। आपका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 3%। क्वेश्चन नंबर 60,
स्टरलाइजेशन ऑफ अ मिल्क रिजल्ट इन बैक्टीरियल डेथ ऑफ टू एक्सटेंड ऑफ 95 to 98%, 100%, 70 to 90%, 50 to 60%। तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन 95 to 98%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। सॉयल बॉडी जनरली ऑक्यूपाइड बाय सॉयल पोर्स टू एक्सटेंड ऑफ 20 to 30%, 30 to 40%, 40 to 50%, 60 to 70%। तो इसमें आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही है, 40 to 50%। क्वेश्चन नंबर 62। द वाटर फॉर्म इजिली अवेलेबल टू क्रॉप प्लांट्स ग्रेविटेशनल वाटर, कैपलेरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या नन ऑफ दीज। सेकेंड ऑप्शन है कैपलेरी वाटर, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 63। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियन सॉयल वेराइज बिटवीन 3 to 4, 0.2 to 0.5, 5 to 6, 0.5 to 2% ऑन अ ट्राइसॉल बेसिस। इसमें सेकेंड ऑप्शन है जो 0.2 to 0.5, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64। रिलेटिवली इमोबाइल एलिमेंट इन द सॉयल सिस्टम इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 65। द क्रॉप अफेक्टेड एडवर्सली द मोस्ट अंडर लो ऑक्सीजन सप्लाई इन सॉयल इज वीट, पैडी, पोटैटो, टोबैको। इसमें आपका सही आंसर है पहला वीट। क्वेश्चन नंबर 66। ऑप्टिमम सोइंग डेप्थ ऑफ वीट वैरायटी PWB 343 इज नॉर्मल सॉइल इज 2 to 3, 4 to 5, 7 to 8, 8 to 9। सेकेंड ऑप्शन है 4 to 5, ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67। सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर ग्राउंडनट क्रॉप इज अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 68। नॉन सिम्बायोटिक एनारोबिक एंड फिक्सिंग बैक्टीरिया इज, इसमें से कौन सा एंड फिक्सिंग बैक्टीरिया है? एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम स्पीशीज, रोडोस्पिरुलम। सेकेंड ऑप्शन है क्लोरिस्टीडियम, ये आपका सही है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69। सैंडी सॉयल आर कंसिडर्ड एज प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक, पार्शियली प्लास्टिक। आपका ऑप्शन सेकेंड है नॉन प्लास्टिक, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 70। सुटेबल वीडिसाइड्स एज प्री इमरजेंस फॉर कंट्रोल ऑफ वीड इन मेज इज 2,4-D, आइसोप्रोटीरोन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर। इसमें ऑप्शन थर्ड है एट्राजीन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 71। एरिया अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज 40 to 50%, 50 to 55%, 30 to 40%, 60 to 65%। सो अपने फोर्थ ऑप्शन है 60 to 65%, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 72। पोटेशियम इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन एन आयोनिक फॉर्म, के, के प्लस, के प्लस प्लस, के ओ, के ए ओ। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन है के प्लस, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73। When average cost increases, marginal cost is below average cost, equal to average variable cost, average cost, above average cost, equal to average fixed cost. तो आपके इसमें थर्ड ऑप्शन है average, above average cost, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 74। The slope of an indifference curve represented the elasticity of a demand for a good, marginal rate of substitution between two goods, रेशियो ऑफ प्राइजेज ऑफ टू गुड्स, पोजिशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जिसमें सेकेंड ऑप्शन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, ऑप्शन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। सेट्रिस पेरिबस मीन्स कंस्टेंट सप्लाई कंडीशन, कंस्टेंट डिमांड कंडीशन, अदर थिंग बीन इक्वल, मोस्ट एफिशियंट रिसोर्स एलोकेशन। इसमें थर्ड ऑप्शन है अदर थिंग बीन इक्वल, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 76। एट inflection point in classical production function the marginal product is equal to zero, negative, maximum, minimum. तो थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 77। द आइसोक्विवेंट इज स्ट्रेट लाइन व्हेन MR X1 X2 इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है कांस्टेंट, वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 78। द APP इज मैक्सिमम व्हेन APP इज मोर देन MPP, APP is less than MPP, APP equals to MPP, APP equals to TPP। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है APP equals to MPP, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, इन द फर्स्ट जोन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज, ऑप्शन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट, नॉन स्पेसिफिक रिलेशन।
तो ये हमेशा डिक्रीज होता है, तो इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 80, फॉर अ गिवन गुड द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कम्युनिटी, फॉल इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कम्युनिटी। जो सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज इन प्राइस, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट इन द मार्केट फॉर अ कम्युनिटी व्हेन द अमाउंट बॉट इक्वल टू अमाउंट सोल्ड, प्राइस इज सच दैट कंज्यूमर डू नॉट विश टू बाय मोर, द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एट द मार्केट प्राइस, द अमाउंट सेलर विश टू सेल इन द सेम क्वान्टिटी बायर्स विश टू बाय। तो फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका सही है। एट द मार्केट प्राइस द अमाउंट सेलर विश टू सेल इन द सेम क्वान्टिटी बायर विश टू बाय। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। बाउंड्री लाइन इन केस ऑफ फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज आइसोक्लाइन, आइसोलाइन, रिज लाइन, नन ऑफ दिस। में आपका थर्ड ऑप्शन है रिज लाइन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 83, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज ड्राइव डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, मार्केट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें जो है मार्केट डिमांड, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कंपेरेटिवली इनइलास्टिक, कंपेरेटिवली इलास्टिक। सेकेंड ऑप्शन है परफेक्टली इलास्टिक, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन अ लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन हैज़ 1 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन, मोलैल सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। जो आपका थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द लोकेशन इन अ सेल ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑपरेशन। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल्स। साइटोसोल है सेकेंड ऑप्शन आपका, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन के कॉन्सेप्ट किसने दिया था। चिनोय, हैमनर, सेलिब्यूरी, चेला खान। तो चेला खान जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा ओपनिंग के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी रहता है। ऑप्शन सेकेंड है के। क्वेश्चन नंबर 89, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, जिबरेलिक एसिड, एवेस्किस एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें एवेस्किस एसिड है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए, विच सीड हैज़ द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट, वीट, सिकेल, पी, ब्रेसिका। जो आपका थर्ड ऑप्शन है पी, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 91, वॉट विल बी द सब्सट्रेट इफ रिस्पायरेटरी कोशेंट वैल्यू इज 1, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, हेक्सोज। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है हेक्सोज, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 92, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन हायर प्लांट्स, स्ट्राउट एंड रेन एंड नॉन स्ट्राउट, हॉगलैंड एंड प्लाउट, एब्सटेन एंड मेटलर। तो सेकेंड ऑप्शन है नॉन स्ट्राउट, इन्होंने ही दिया था एसेंशियल एलिमेंट्स इन हायर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज़ नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसमें से कौन सा अमीनो एसिड जो एसेंशियल नहीं है। मेथियोनाइन, लाइसिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडाइन। तो इसमें जो ग्लाइसिन है वो अमीनो एसिड एसेंशियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ द सब्सट्रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, ग्लूकोज, पीजीए, आरयूबीपीस, ग्लाइसिन। तो जो आरयूबीपीस है ये आपका सब्सट्रेट है फोटो रिस्पायरेशन का। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन इज़ नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोलाइन, स्टार्च। तो इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च, ये सही है। विच वन हैज़ अ लोवेस्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, सनफ्लावर, सोरगम, ओपेंशिया, बार्ले। इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा थर्ड, ओपेंशिया। क्वेश्चन नंबर 97, इरविनिया कैरोटोवोरा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन, सॉफ्ट रूट, ड्राई रोट, विल्ट, ब्राउन रोट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट रूट, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, बेसिपेटिकली अरेंज्ड स्पोरेंजिया इन चेन्स प्रोड्यूस सब एपिडर्मिकली आर फाउंड इन फाइटोथेरामिफेस्टेंस, एल्बुडो कैंडिडा, सिंक्रेंटियम, पाइथियम। इसमें सेकेंड है एल्बुडो कैंडिडा, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 99, डंपिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय
ऑप्शंस हैं प्लूस्टोटोइडम फैक्टेटम, पाइथेनियम, एफ एन डी मनेटेटम, स्फैलियोथिया, एरिप्सी, पॉलीगैमी। जिसमें सेकंड ऑप्शन जो है पाइथियम एफ एन एन डर्मेटम, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, फ्लास्क शेप्ड हॉलो फंगल फैक्टिफिकेशन कंटेनिंग अ हेमेनियम ऑफ कॉनिडोजेनेसिस सेल्स एंड कॉनिडिया आर कॉल्ड फाइनिडिया, पेरिथीसियम, स्पोरोडोक्यूमम, एसरवियोलस। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है पेरिथीसियम, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 101, पोस्टुलेट्स ऑफ पैथोजेनेटिकली वॉज प्रोस्पॉन्डेड बाय एंटोन डी बेरी, वॉन लीवेनहॉक, एलेक्स मिलार्डेट, रॉबर्ट कोच। तो इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 102, बोडो मिक्सचर वॉज फर्स्ट यूज इन फंजीसाइड अगेंस्ट लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइंस, स्टेम रस्ट ऑफ वीस्ट। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइंस, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 103, पाउडर मिल्ड्यू डिजीज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय मर्करी फंजीसाइड्स, सल्फेट फंजीसाइड्स, कॉपर फंजीसाइड्स, एंटीबायोटिक्स। जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सल्फर फंजीसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 104, ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीज इज कॉज बाय, तो आप सबको पता होगा ये एंजिना टिटिसाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 105, आयोडीन सॉल्यूशन इन ग्राम स्टेनिंग एक्ट इज प्राइमरी स्ट्रेन, काउंटर स्ट्रेन, मॉर्डेंट, सेकेंडरी स्ट्रेन। तो जिसमें ऑप्शन होगा आपका थर्ड होगा वो सही होगा, मॉर्डेंट। क्वेश्चन नंबर 106, मोर देन 250 लीटर ऑफ वॉल्यूम पर हेक्टेयर इज यूज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रे टाइप, लो वॉल्यूम, अल्ट्रा वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, हाई वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 107, ऑल एक्टिविटीज विच इनहेंस द एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ एक्सटिंक्शन नेचुरल एनिमीज इज कॉल्ड एंग्यूमेंटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल, इनोकुलेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, हैबिटेट मैनेजमेंट। तो इसमें जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑग्यूमेंटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 108, बैक्टीरिया हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन वन एंड आर क्लासिफाइड एज लोफोट्राइकोस, पेरिट्राइकोस, एम्फीट्राइकोस, मोनोट्राइकोस। लोफोट्राइकोस है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, बेर प्लांट आर प्रून इन द मंथ ऑफ, बेर प्लांट उसको कब प्रूनिंग, उसकी कब प्रूनिंग की जाती है, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अप्रैल में। तो अप्रैल मई में उसकी प्रूनिंग की जाती है बेर की। क्वेश्चन नंबर 110, जैस्मिन स्पीशीज प्रोड्यूसिंग येल्लो फ्लावर इज, कौन सी स्पीशीज जो है येल्लो फ्लावर प्रोड्यूस करती है जैस्मिन में, जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम, जैस्मिन ह्यूमाइल, जैस्मिन ऑफिसनेल, जैस्मिन ऑरिकुलेटम। सेकंड ऑप्शन जैस्मिन ह्यूमाइल, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, विंटर एनिमल सुटेबल फॉर शेडी सिचुएशन इज डहेलिया, कैलेंडुला, सिनेरेरिया, एंथ्रीहाइनम। जिसमें आपका थर्ड ऑप्शन है सिनेरेरिया, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 112, एल्कलॉइड विनप्लास्टिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शर्फगंधा, अश्वगंधा, पेरीविंकल, डायस्कोरिया, डायस्कोरिया। तो इसमें पेरीविंकल का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 110, मोनोकॉट वेजिटेबल इज कैरेट, पॉइंटेड गार्ड, टोमेटो, ओनियन। तो मोनोकॉट वेजिटेबल कौन सी है इसमें आपकी, ओनियन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 114, मृदुला इज अ वैरायटी ऑफ, मृदुला किसकी वैरायटी है, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया, बेल। तो जो मृदुला वैरायटी जो आपकी है वो है पोमग्रेनेट की। क्वेश्चन नंबर 115, टोमेटो केचप इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, शुगर, सॉल्ट, सोडियम बेंजुएट। तो जिसमें आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, सोडियम बेंजुएट। क्वेश्चन नंबर 116, श्री मंगला इज अ वैरायटी ऑफ कोकोनट, ऑयल पाम, कैशनेट, एरिकानेट। तो आपका सही आंसर होगा एरिकानेट। क्वेश्चन नंबर 117, रेड कलर ऑफ जेली इज ड्यू टू आर्टिफिशियल कलर, पेक्टिन, एसिड, चारिंग ऑफ शुगर। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, चारिंग ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 118, सीड डेट ऑफ ओकरा फॉर रेनी सीजन, ऑप्शन ये हुए हैं 18-20 केजी प्रति हेक्टेयर, 20-25 केजी पर हेक्टेयर, 10-12 केजी पर हेक्टेयर, 5-10 केजी पर हेक्टेयर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है इसमें है ओकरा के लिए वो सही होगा फोर्थ ऑप्शन, 5-10 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 119, गोमाती इज अ वैरायटी ऑफ
ऑप्शन है जैपनीज मिंट, सिट्रोनेला, सर्फगंधा, मेटिकेरियासिस, जो ये गुमाती वैरायटी है वो जैपनीज मिंट की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120, द मैक्सिमम पपेन यील्डिंग पपाया सिलेक्शन इज, कौन सी वैरायटी है? ऑप्शन है वॉशिंगटन हनी ड्यू, CO6, CO5, CO2। तो आपका ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, CO2। CO2 वैरायटी में सबसे ज़्यादा पपेन का एक्सट्रैक्शन होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।